thunder, I hear thunder. Oh, don't you, oh, don't you. Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops are wet through. So are you, I wet through. So are you. Yay! Is this nice poem, children? What happened? What are you thinking? टीचर को क्या हुआ है? टीचर पोएम के साथ क्यों आ रही है, क्यों बोल रही है? टीचर चिल्ड्रन, यू नो विच सीजन इज गोइंग ऑन? यस, रेनी सीजन इज गोइंग ऑन एंड आई लव रेनी सीजन. यू लाइक रेनी सीजन? वेरी गुड. एंड इन रेनी सीजन देर आर एवरीवन इज रेनी फॉलिंग डाउन. देर आर ऑल आर वी सन थंडर्स. करेक्ट. विजांचा कडकडाट ऐकू येतो की नाही? एंड वी सी द रेनबोज इन द स्काय. करेक्ट. सेवन कलरफुल रेनबोज. हाउ मेनी कलर्स इन द रेनबोज? देर आर सेवन कलर्स इन द रेनबोज. करेक्ट. एंड चिल्ड्रेन, आपको बारिश में भीगना पसंद है? बारिश में बोट बनाकर उसको उसके साथ खेलना पसंद है? यस, आई आल्सो लव दैट. बट चिल्ड्रन, व्हाट वी नीड इन रेनी सीजन? हमको रेनी सीजन में क्या क्या चाहिए होता है? व्हाट वी नीड इन द रेनी सीजन? वी नीड अम्ब्रेला, रेनकोट एंड गम बूट्स. अगर हम अम्ब्रेला यूज करेंगे तो बारिश से प्रोटेक्ट हो जाएंगे. सो अम्ब्रेला, रेनकोट एंड गम्बूट वी यूज इन रेनी सीजन. दैट थिंग्स. करेक्ट. सो चिल्ड्रन, दिस इज रेनी सीजन. सो चिल्ड्रन, इन रेनी सीजन देर आर सम क्रिएचर्स ऑल्सो देयर. So which creature is there? There are frog, snail, slug, earthworm and centipede also. All these rainy creatures are we can see in rainy season. And children, after that we also learn how to rain is falling down. आपला आपण हे पण बघणार आहोत की पाऊस कसा पडतो. व्हॉट इज द वॉटर सायकल बिहाइंड द रेन? व्हॉट डू यू मीन बाय वॉटर सायकल? सो चिल्ड्रन, नाव वी विल लर्न विच रेनी क्रिएचर आर वी सी इन रेनी सीजन. एंड आफ्टर दॅट वी सी व्हॉट डू यू मीन बाय वॉटर सायकल. ओके. रेनी क्रिएचर्स. रेनी क्रिएचर्स फाउंड इन रेनी सीजन आर कॉल्ड रेनी क्रिएचर. रेनी क्रिएचर्स आर फ्रॉग, स्नेल, स्लग, अर्थवॉर्म एंड सेंटिपेड. सो फर्स्ट रेनी क्रिएचर इज फ्रॉग. फ्रॉग इज अ ग्रीन इन कलर विथ ब्लैक स्पॉट्स. फ्रॉग कैन लिव इन वॉटर एज वेल एज ऑन लैंड. फ्रॉग स्विम्स इन द वॉटर. फ्रॉग हैज टू बल्गिंग आईज. फ्रॉग ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स. फ्रॉग लिव्स नियर द पॉन्ड्स और द पडल्स. सो चिल्ड्रन, हैव यू सीन द फ्रॉग? फ्रॉग वी यूजुअली सी इन रेनी सीजन. फ्रॉग इज अ ग्रीन इन कलर विथ ब्लैक स्पॉट्स. फ्रॉग जो रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है और उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स रहते हैं. एंड वेयर इज द फ्रॉग लीव्स? फ्रॉग लीव्स इन वॉटर एज वेल एज ऑन लैंड. इट मीन्स फ्रॉग जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं और वॉटर के अंदर भी. फ्रॉग स्विम्स इन द वॉटर.
फ्रॉग को स्विमिंग आती है. सो फ्रॉग कैन लिव इन द वॉटर. और हाउ इज द फ्रॉग आईज, फ्रॉग की आंखें कैसी रहती है. फ्रॉग हैज अ टू बल्गिंग आईज. फ्रॉग्स की आंखें दो बड़ी बड़ी आंखें रहती है. एंड व्हाट फ्रॉग ईट्स, फ्रॉग ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स. फ्रॉग जो रहते हैं वो क्या खाते हैं, फ्रॉग छोटे छोटे कीड़े खाते हैं. एंड वेयर इज द फ्रॉग लीव्स, फ्रॉग लीव्स नियर द पॉन्ड्स और द पडल्स. सो चिल्ड्रन, फ्रॉग इज अ रेनी क्रिएचर. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट रेनी क्रिएचर इज स्नेल. यस, स्नेल, स्नेल इज अ रेनी क्रिएचर. स्नेल हैज अ शेल ऑन इट्स बॉडी. स्नेल वॉक्स वेरी स्लोली. स्नेल ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक अ फ्रॉग. सो चिल्ड्रन, स्नेल हैज अ शेल ऑन इट्स बॉडी. आप पिक्चर में देख सकते हैं शेल के ऊपर स्नेल के ऊपर छोटा सा शेल है. सो स्नेल हैज अ शेल ऑन हिज बॉडी. स्नेल वॉक्स वेरी स्लोली. स्नेल बहुत स्लोली स्लोली वॉक करते हैं. एंड व्हाट स्नेल ईट्स, स्नेल ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स. स्नेल छोटे छोटे कीड़े खाते हैं. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट रेनी क्रिएचर इज स्लग. यस, स्लग इज अ रेनी क्रिएचर. स्लग इज लाइक अ स्नेल. स्लग स्नेल की तरह ही होते हैं. बट स्लग डिडंट हैव अ शेल ऑन हिज बॉडी. आपको स्नेल के ऊपर शेल दिखाई दे रहा था लेकिन स्लग के ऊपर नहीं है. यस, स्लग डिडंट हैव अ शेल ऑन हिज बॉडी. स्लग इज अ स्मॉल क्रिएचर. स्लग बहुत छोटा सा रेनी क्रिएचर रहता है. एंड स्लग ऑल्सो वॉक वेरी स्लोली. स्लग भी वेरी स्लोली स्लोली वॉक करते हैं. एंड व्हाट स्लग ईट्स, यस, स्लग ऑल्सो ईट्स स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट. एंड स्लग इज अ रेनी क्रिएचर. नाउ नेक्स्ट रेनी क्रिएचर. द नेक्स्ट रेनी क्रिएचर इज अर्थवॉर्म. यस, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म इज अ रेनी क्रिएचर. सो अर्थवॉर्म लीव अंडर द वेट सॉइल. वेयर अर्थवॉर्म लीव, अर्थवॉर्म लीव अंडर द वेट सॉइल. करेक्ट. एंड अर्थवॉर्म क्रॉल ऑन द ग्राउंड. अर्थवॉर्म क्रॉल ऑन द ग्राउंड. यस, अर्थवॉर्म ईट्स स्मॉल इंसेक्ट. अर्थवॉर्म क्या खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े खाते हैं. अर्थवॉर्म ईट्स स्मॉल इंसेक्ट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अर्थवॉर्म इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर. यस चिल्ड्रन, अर्थवॉर्म इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर. सो अर्थवॉर्म कहाँ पे रहते हैं, जो गीली मिट्टी रहती है यूजुअली अर्थवॉर्म वहाँ पे रहते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर रहते हैं. एंड अर्थवॉर्म ईट्स स्मॉल इंसेक्ट. अर्थवॉर्म क्या खाते हैं, अर्थवॉर्म ईट्स स्मॉल इंसेक्ट. अर्थवॉर्म छोटे छोटे कीड़े खाते हैं. एंड अर्थवॉर्म क्रॉल ऑन द ग्राउंड. अर्थवॉर्म ग्राउंड पर हमें यूजुअली दिखाई देते हैं. एंड चिल्ड्रन, वी सी द अर्थवॉर्म यूजुअली इन रेनी सीजन. बट अर्थवॉर्म इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर. यस, ही हेल्प टू द फार्मर इन हिज फार्मिंग. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट रेनी क्रिएचर. नेक्स्ट रेनी क्रिएचर इज सेंटीपेड. यस, सेंटीपेड इज अ रेनी क्रिएचर. सेंटीपेड इज अ स्मॉल रेनी क्रिएचर. सेंटीपेड हैज अ लॉन्ग थिन बॉडी. सेंटीपेड हैज अ
long thin body. Centipede has 100 legs. Yes, children. Centipede has 100 legs. And centipede is a rainy creature. Centipede ki body kaisi rehti hai? Thin rehti hai. It's a long and it's a thin body. And centipede ko kitne legs rehte hai? Centipede has 100 legs. So children, did you understood all the rainy creature? Now we will learn the water cycle. Yes, water cycle. Children, आपको पता है what do you mean by water cycle? Rain कहाँ से आती है, कैसे गिरती है rain, clouds कैसे बनते हैं. Now we will learn the water cycle. So first condensation. Children, condensation it means sun rays fall on the water. जो water रहते हैं छोटे छोटे seas, oceans वो रहते हैं उनके ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है. Sun rays fall on that water and उस water की क्या होते हैं vapors हो जाते हैं, भाप हो जाती है उन water की. और जो वो भाप है वो vapors है वो ऊपर sky में ऊपर बहुत ऊपर चले जाते हैं और उस vapors से क्या बनते हैं clouds बनते हैं. What form from that vapors? From that vapors form a cloud and when the clouds cool down and drops of water, जब वो clouds ठंडे हो जाते हैं and जब पानी बरसता है which is called condensation, correct? Now next is water cycle. So children, water cycle it means the clouds get bigger and bigger as a whole condensation. मतलब condensation की process में वो clouds बहुत बड़े 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 हो जाते हैं and this big and heavy clouds full of drops of water. मतलब वो पानी से पूरे भर जाते हैं and when the clouds dash against each other, जब वो clouds एक दूसरे को टकरा जाते हैं that time what we hear a thunder and we also see the lightning. और उस time पे हमें thunder सुनाई देती है, lightning दिखाई देती है, correct? And the drops becomes down, the drop नीचे गिर जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, the drops come down as a rain. उन drops को क्या बोलेंगे, rain. And this is called water cycle. तो उनको क्या बोलेंगे, water cycle. Rain water goes into the rivers, lake and sea. और वो rain का पानी कहाँ पे चला जाता है, it goes into the rivers, lake and sea. And again जो river, lake और sea में जो पानी चला गया है वो अगेन समर सीजन में सूरज की रोशनी से उनके वेपर्स हो जाते हैं और वो वेपर्स अगेन ऊपर स्काई में चले जाते हैं, उनके क्लाउड्स बनते हैं. एंड व्हेन द क्लाउड्स डैश टू द ईच अदर, जब वो क्लाउड्स एक दूसरे को टकरा जाते हैं तो क्या गिरने लगती है, बारिश गिरने लगती है. सो चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय वाटर साइकिल? Very good. Now we will revise all the rainy creatures again. Okay? So rainy creatures. First is frog. Repeat after the teacher. Frog is a green in color. Frog is a green in color. Frog live in water as well as pond. Frog has two bulging eyes. Frog has two bulging eyes. Frog eats small insects. Repeat after me. Frog eats small insects. Correct. Frog lives near the ponds or puddles. Frog lives near the ponds or puddles. Centipede. Centipede has a long thin body. Correct.
Now, next is a snail. It has a shell on its body. Snail has a shell on its body. Snail walks very slowly. Snail eats small insect. Next, earthworm. I hope children you are repeating after me. Earthworm live under the wet soil. Earthworm crawl on the ground. Earthworm eat small insects. Correct? Now next is a slug. Slug is like a snail. And slug didn't have a shell on his body. Slug eats small insect. Now, water cycle or a condensation. So, repeat after me. Sun rays fall on the water. Water becomes hot and vapors go high up in the sky to form a cloud. The clouds cool down and drops of water, which is called condensation. I hope children, you know all the information. Very good. So see you soon.